As far as Atiq Ahmed's appearance is also concerned in the court, the security system around the court premises has been absolutely tight. As the police personnel along with the PSC that have also been deployed as Atiq Ahmed will now be presented, we are told at around 11 a.m. with him, his brother Ashraf will also be presented. Physical presence is something in the court that has also been mounting the security alert that has already been issued. Let's go straight to our reporters. I'm told that Manish or Ashutosh dono hamare saath filhal live jude rahe hain. Aur Manish, abhi ki baat kare to aaj jo peshi hone wali hai Atiq Ahmed ki, uske bare mein jitne security ke bandobast kare kare hain wo hame zara dikhaye aur uske bare mein bhi bataye. बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कचहरी है जहां पर अतीक अहमद को लाया जाएगा. कचहरी का गेट इस गैलरी के अंदर है, लेकिन बाहर से ही पुलिस डिप्लॉयमेंट हो गया है. पीएसी के जवान को यहां पर डिप्लॉय किया गया है. कचहरी के पूरे परिसर को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है. जो सीजीएम कोर्ट जहां पर पेश किया जाना है, उस गेट के बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. जो पहले सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली थी जब अतीक अहमद को उमेशपाल अपहरण कांड में मामले में पेशी के लिए लाया गया था, जब फैसला सुनाया गया था, उम्र कैद की सजा हुई थी, उस वक्त चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी. पूरे रोड को बैरिकेड लगाकर जाम कर दिया गया था. अतीक अहमद को प्रिजन वैन में लाया गया था, उसके बाद अशरफ को लेकर आया गया था. इसी तरह, इसी पैटर्न पर इस बार भी पहले अतीक अहमद को पेश किया जाएगा, उसके बाद अशरफ को पेश किया जाएगा. यहां पर देखिए किसी को जाने की इजाजत नहीं है. एक एक वाहन को चेक कर रहे हैं देखिए पुलिसकर्मी. जो वकील है उनको भी बिना काम के नहीं आने दिया जा रहा. पुलिसकर्मी रोक कर जाने दे रहे अतीक अहमद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज अहम दिन है. अतीक अहमद की रिमांड हासिल की जाएगी, उसके लिए किसी को इस रास्ते से जाने की इजाजत नहीं दी गई है. एकदम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर रखी गई है, पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. चूंकि आज अतीक और अशरफ की रिमांड कस्टडी ली जानी है, कोर्ट ऑर्डर देगा कि कितने दिन की कस्टडी मिलती है. और कस्टडी मिलने के बाद यहां से थोड़ी ही दूर पर पुलिस लाइन है जहां पर अतीक और अशरफ को ले जाया जाएगा. वहां पर इंटरोगेशन रूम बनाया गया है. वो सवाल जिनके जवाब खंगालने की कोशिश यूपी पुलिस उस हत्याकांड के बाद से कर रही है, चूंकि अतीक इसमें मुख्य साजिशकर्ता है, अशरफ जिसके साथ मिलकर उसने साजिश बनाई. लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो पुलिस की समझ से बाहर है, जिनमें आज शाइस्ता परवीन कहां है, असद कहां है, गुलाम और गुड्डू कहां है, क्योंकि पुलिस की पकड़ से ये बाहर है. उसको लेकर पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं. लेकिन अतीक के जरिए इन सवालों के जवाब टटोले जाएंगे, खगाले जाएंगे, क्योंकि अतीक वो कड़ी है जिसे सारी सच्चाई मालूम है. के पास पूरा रूट मैप था कि कैसे असद को पहुंचना है, कहां पहुंचना है, कौन सा रिलेटिव असद की मदद करेगा, कहां से उसे पैसे उठाने हैं. तो ये सारे जवाब अतीक अहमद से निकलवाने की कोशिश होगी. अलग अलग टीम बनाई गई है, स्पेशल तीन टीम बनाई गई है जो अलग अलग समय पर अतीक अहमद से सवाल करेंगी. अशरफ से अलग सवाल किए जाएंगे, अतीक से अलग सवाल किए जाएंगे. जरूरत पड़ी तो दोनों को आमने सामने बिठाकर भी सवाल किए जा सकते हैं, ताकि दोनों के बयानों में अगर कोई विरोधाभास हो तो वो उसकी पड़ताल की जा सके. इसके अलावा जो दिल्ली से तीन लोग अरेस्ट हुए थे, दिल्ली पुलिस ने जिन्हें अरेस्ट किया था, जावेद जिसने मेरठ से 1 लाख से पैसे लाकर असद को मुहैया कराए थे, उससे भी कुछ इनपुट मिले हैं. कैसे शाइस्ता परवीन प्रयागराज में बैठकर पूरे मामले को देख रही थी कि असद को पैसा कहां से मिलेगा, शूटर्स को पैसा कैसे पहुंचाया जाना है. मुंबई और लखनऊ के कुछ कारोबारी थे जिनके मार्फत पैसा मेरठ पहुंचवाया गया था और मेरठ से फिर असद को यह पैसा मिला. तो ये इसकी जानकारी भी असद अतीक अहमद को है, ये जवाब भी टटोलने की कोशिश होगी. तो कुल मिलाकर 200 ऐसे रात कैसी हुई, ये किस तरह से जो पिछली रात थी वो कैसे बीती अतीक अहमद के लिए, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि उसको दोबारा एक आइसोलेशन वार्ड में अलग रखा गया है, ताकि उसको हाई सिक्योरिटी जो वार्ड में वहां रखा गया था, और बताया जाएगा अब थोड़ी देर में उसकी पेशी भी होने वाली है. तो पिछली रात कैसे बीती अतीक अहमद की? देखिए अतीक अहमद जैसे पिछली रात उसे नींद नहीं आई थी, जब पिछली दफा जब वो नैनी जेल लाया गया था, इस बार कमोबेश वैसा ही आलम था. हालांकि जैसे पिछली दफा उसने अपने भाई अशरफ से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो इस बार भी उसकी कोशिश थी. बंदी रक्षकों से उसने कहा कि अशरफ से एक बार उसे मिलने दिया जाए. और अशरफ भी पूछ रहा था बराबर कि अतीक भाई आ चुके हैं क्या, चूंकि अशरफ बरेली जिला जेल से लगभग 8 बजे नैनी जेल पहुंचा था, तो ऐसे में उससे पहले अतीक आ चुका था. तो उसने भी ये पूछा कि क्या अतीक भाई आ चुके हैं. तो आज चूंकि अहम दिन अतीक और अशरफ दोनों के लिए है, क्योंकि अब उनके गुनाहों का हिसाब किताब किया जाना है, वो फैसला किया जाना है. कैसे उमेशपाल हत्याकांड अंजाम दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है जी. पकड़ से शूटर्स बाहर है, लेकिन उसकी कड़ी अतीक अहमद है, उसकी कड़ी अशरफ है. इन दोनों को पता है कि कौन कहां कैसे
पूरी चीजें हुई, पूरी घटना घटी, साजिश कैसे रची गई, कौन कौन लोग को इन्वॉल्व किया गया और क्या रूट डिसाइड किया गया था, साइस्ता की भूमिका क्या थी, असद की भूमिका क्या थी, चौथे बेटे का जो नाम आ रहा है कि जिसके ऊपर मुहैया कराए थे, बताया जा रहा है कि पुलिस जितनी मैक्सिमम हो सके उसकी जो कस्टडी है वो मांग करेगी और कोर्ट में जो आज पेशी होने वाली है अतीक अहमद की, और साथ में बताया जा रहा है जो अन्य लोग केस के साथ जुड़े हुए उनकी भी पेशी होगी अशरफ के साथ ही। धन्यवाद आपका मनीष, हम लौटेंगे आपके पास। वी आर लुकिंग एट अ टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट दैट हैज बीन मेड आउटसाइड द प्रयागराज कोर्ट।